आता है आपका मरुद्रा जर्नी के अंदर। तो दोस्तों पिछली वीडियो आपने सांवरिया सेठ की देखी, जो कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना हुआ मंदिर बहुत ही भव्य था। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपको भंवर माता का मंदिर देखने को मिलेगा। भंवर माता का मंदिर प्रतापगढ़ जिले के अंदर छोटी सादड़ी जो गांव है, कस्बा है, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें, जो यह स्थान है प्रतापगढ़ जाते हैं उस रास्ते पे ये बीच में पड़ता है। और दोस्तों जो भंवर माता है उसका जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है। और दोस्तों महिषासुर को जब मारने जाती है माता रानी तो इसी तरफ से होकर के जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं। और दोस्तों भंवर माता के जो बरसात होने पर वहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर है। और दोस्तों आप चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं, काफ़ी सारी हरियाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर काफ़ी नॉलेज और इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो चलिए गाइज चलते हैं। फाइनली गाइज अभी हम भंवर माता के जो मंदिर है वहाँ पर परिसर में पहुँच चुके हैं। और यहाँ से जो दृश्य है वो आप देख पा रहे हैं, कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिल रही है और रोड भी दोस्तों काफ़ी शानदार बना हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों पास में एक डैम बना हुआ है, डैम के अंदर आपको झरना बहता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ का जो दृश्य है, काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी आनंदपूर्वक आपको देखने को मिलेगा। आज अभी हम मंदिर परिसर की ओर चल रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंदिर परिसर है उसके जस्ट सामने आपको महार की फ़ोटो मिलेगी और जो प्रतिमा है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। अभी अपन माता के दर्शन करते हैं, जो कि आपको सामने माँ के दर्शन करने को मिलेंगे। हमने माता जो भंवर है उसके दर्शन कर लिए हैं। और दोस्तों भंवर माता के प्रांगण में ये खूबसूरत सा एक पौधा लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं वट वृक्ष का पौधा है और दोस्तों काफ़ी सुंदर है। तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा जब आप भंवर माता के आएंगे। आप एक आवाज़ सुन रहे होंगे झरने की, और वो झरना मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि इस स्थान को एक टूरिस्ट पैलेस बनाता है। और काफ़ी सुंदर नज़ारा उस झरने का देखने को मिलता है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ किस प्रकार का वो झरना आपको देखने को मिलेगा। और माता के जस्ट सामने यह झरना चलता हुआ देख सकते हैं, किस प्रकार से ये जो झरना है वो चल रहा है। और इस साइड में भी आपको काफ़ी खूबसूरत जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। और अभी हम नीचे चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, और नीचे से चल करके आपको जो झरना है उसका ओवरव्यू दिखाता हूँ किस प्रकार का है। सीढ़ियों के माध्यम से अभी नीचे जा रहे हैं और सीढ़ियों पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन है, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो बारिश का जो पानी है वो रुका हुआ है सीढ़ियों पर। तो काफ़ी सावधानी पूर्वक हम नीचे जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा आप झरने का देख रहे हैं, जो कि भंवर माता के यहाँ पर बना हुआ है। माता के मंदिर परिसर के अंदर हैं और हमारे साथ में हैं गुरुजी। तो गुरुजी क्या नाम है आपका? युधिष्ठिर शर्मा। तो आप हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं थोड़ा। यहाँ मतलब ये सन 491 में इसकी स्थापना हुई थी, कश्यप गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जी। ये मतलब 1700 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ की महिमा इतनी ज़ोरदार है कि लोग बाग जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ नीचे कुंड के अंदर जो पानी है उसके अंदर मतलब नहाने से मतलब चर्म रोग सही होता है, और मतलब जो पैलेस के आदमी आते हैं वो भी यहाँ ठीक होते हैं। यहाँ मतलब सामने के साइड में कुंड झरना गिरता है, 70 फीट ऊँचे से झरना गिरता है। पीछे हनुमान जी का स्थान है, आगे भैरुबाब जी का स्थान है। नीचे इस साइड में एवड़े की नाल बोलते हैं जिसको, वहाँ छोटी एक कुई है। वहाँ मतलब महात्मा ने मतलब तपस्या की थी, उनका नाम बुद्धगिरी जी महात्मा है। उनकी कुटिया बनी हुई है और एक स्टूचू बना हुआ है हीरा महाराज का। यहाँ मतलब मेला हरियाली महोत्सव को मेला गिरता है।
करीब पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है और सभी काम यहाँ माता जी की कृपा से पूर्ण होते हैं। किसकी कुलदेवी माता जी? ये तो ब्राह्मणों की कुलदेवी, वैसे सभी की कुलदेवी है। हाँ, माता जी की कृपा से सबकी है देवी है। तो यहाँ पर लोग बाग आते हैं, आदिवासी लोग ज़्यादातर आते हैं, तो वो क्या अपनी मन्नत पूरी करते थे, मुर्गे चढ़ा जाते हैं। अच्छा। मुर्गे चढ़ाते तो अमर होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। अभी जहाँ पर संत ने तपस्या की थी वो स्थान पे आ चुके हैं जो संत महात्माओं की भूमि है, और यहाँ पर एक हमेशा झरना बहता रहता है। और इस साइड में आप देख सकते हैं जो समाधि स्थल वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ पर भी स्थान है, भैरव जी का स्थान है शायद। और दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं संतों की धुनी है, और दोस्तों यहाँ पर एक संत तपस्या किया करते थे जो आपको अभी पंडित जी महाराज ने बताया था। और दोस्तों अभी उनका देवलोक गमन हो चुका है, तो कुछ इस प्रकार का सीन है यहाँ का। दोस्तों हमने मंदिर देख लिया है और काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला, और ये जो आप देख रहे हैं ये भी महान व्यक्ति हैं। और क्या नाम है आपका? हरिशंकर मैनर। हरिशंकर जी हैं ये, और इन्होंने भी काफ़ी हमारी मदद की। तो कुछ इस प्रकार का सीन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।